आगे जानने वाले हैं WB यानी कि वॉश बेसिन के बारे में। वॉश बेसिन क्या है दोस्तों? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वॉश बेसिन का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने हैंड को वॉश करते हैं। जनरली ये हॉल में रहते हैं, बाथरूम में भी रहते हैं, आफ्टर कुछ जैसे कोई बाहर से मुँह हाथ धोते हैं उसमें, या खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, तो वॉश बेसिन साथ में मिरर भी लगा रहता है, टॉवल रिंग रहते हैं। तो वॉश बेसिन के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के वॉश बेसिन होते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के वॉश बेसिन पाए जाते हैं, उनके अलग अलग शेप हैं। तो जैसे कि आपका सबसे पहले है आपका नॉर्मल जो वॉल हंग वॉश बेसिन है, जो दीवार से लटका हुआ वॉश बेसिन रहता है। एक होता है आपका कॉर्नर वॉश बेसिन, अगर दीवार के कॉर्नर पे हो तो उस हिसाब से भी एक कॉर्नर वॉश बेसिन पाए जाते हैं। वॉश बेसिन आपका पेडेस्टल वाले आते हैं, फुल पेडेस्टल, हाफ पेडेस्टल भी आते हैं। पेडेस्टल लगाने का दो पर्पज़ हो जाता है, लुक अच्छा रहता है, जो आपका जो वेस्ट लाइन है उसका, जो वेस्ट आपका वेस्ट पाइप है वो कवर हो जाता है, वो छिप जाता है। तो ये फायदे हैं पेडेस्टल का। इसके बाद होते हैं जैसे मैंने बताया आपको कंसोल वॉश बेसिन भी होते हैं। कंसोल वॉश बेसिन नॉर्मली दो स्टैंड पे सपोर्टेड रहते हैं स्टील के। इसके बाद आपके होते हैं टेबल टॉप वॉश बेसिन, एक टेबल प्लेटफॉर्म रहेगा उनके ऊपर वॉश बेसिन रहेगा। एक होते हैं रिम टाइप वॉश बेसिन, एक होता है आपका वेजल टाइप वॉश बेसिन। अगला दोस्तों होते हैं इंटीग्रेटेड वॉश बेसिन। इंटीग्रेटेड क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ टेबल टॉप। बोतल टाइप का यूज़ क्यों है? बोतल टाइप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि अगर कोई मान लीजिए जो वेस्ट है आपका वो पाइप में नहीं जाएगा, वो बोतल में ही फंसा हुआ रहेगा, बाद में क्लीन करके हम उसके क्लीन कर सकते, तो उस मकसद से बोतल टाइप को लाया गया है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जितने भी कमर्शियल, रेसिडेंशियल और जितने भी सेटअप है उन सारे बिल्डिंगों में किस प्रकार के इंस्टॉलेशन किए जाते हैं फिटिंग फिक्चर्स के, वह मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम इंस्टॉलेशन देखेंगे वह हैं वॉश बेसिन के। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन के लिए आपको किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ेंगे, उनके साथ साथ सुरक्षा उपकरण का भी आपको व्यवस्था पहले से सुव्यवस्थित करना पड़ता है, और उनके साथ साथ वॉश बेसिन में लगने वाले जितने आपके फिटिंग्स हैं, जो पाइप्स हैं, वे सारे भी आप पहले से तैयार रखेंगे। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको सेफ्टी का, सुरक्षा का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके साथ आगे बताते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन के लिए। ये हमारे साथी है, ये करके आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। आप देख रहे हैं इन्होंने सेफ्टी का प्रिकॉशन पूरी तरीका से लिया हुआ है, हेलमेट्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाते हुए अपने वर्क प्लेस में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें वर्क प्लेस में जाकर जहाँ हमें कार्य करना है, जैसे कि वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन करना है, तो हमें मार्किंग और मेजरमेंट्स का कार्य पहले करना पड़ता है। तो मार्किंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वॉश बेसिन का हाइट, जो कि आपका फिनिश फ्लोर से कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये होना चाहिए 28 इंची से लेकर 32 इंची तक, MM में कहेंगे आपका लगभग 812 MM तक आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें इनका जो सप्लाई लाइन है जहाँ से वॉश बेसिन में पानी आएंगे उनका हाइट हम मापेंगे। दोस्तों इनका हाइट भी साधारणतः 15 इंची से लेकर 18 इंची यानी 380 से लेकर 450 मिलीमीटर तक हम ले सकते हैं, दोनों बराबर रहेंगे, ठंडे सप्लाई और हॉट वाटर सप्लाई और कोल्ड वाटर सप्लाई, ये दोनों पॉइंट इक्वल होना चाहिए। और जो वेस्ट लाइन है जहाँ से वो ड्रेन वाटर जो जाएंगे उनका पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब पता होने के बाद आप मार्किंग कर लेंगे कि आपका वॉश बेसिन का जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगा। दोस्तों ये आपका वॉश बेसिन है, इन्हें इंटीग्रेटेड वॉश बेसिन कह सकते हैं। इनमें आप देख सकते हैं दोस्त, इनमें तीन छेद इसमें बने होते हैं, जो सबसे बीच में है सेंटर वाला वो आपके जो वेस्ट जाने के लिए, वेस्ट पाइप के लिए होते हैं, वहाँ पे हम वेस्ट कपलिंग का इंस्टॉल करते हैं।
उसके बाद इनके इस तरफ ऊपर देख सकते हैं ये वाला, इस पे पिलर कॉक या फिर बेसिन मिक्सर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और एक छोटा सा होल आपको इसके सामने वहाँ दिख रहा है, वो होता है एमरजेंसी फ्लो के लिए। मान लीजिए किसी कारणवश आपका वेस्ट कपलिंग ब्लॉक हो जाता है तो ओवरफ्लो, जो आपका ड्रेनेज के लिए वो हॉल दिए जाते हैं, जिसे उसके थ्रू वेस्ट कपलिंग के साथ एक होल कनेक्टेड रहता है जो आपका ओवरफ्लो होने से रोकता है। अगर जैम हो जाए तो वॉश बेसिन से जल आपके फर्श पे रूम पर नहीं आएगा, वहीं से वो ड्रेन हो जाता है। अब हम आगे जानते हैं इनका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। आप वॉश बेसिन का जो इंस्टॉलेशन है, जैसे आपको सबसे पहले पिलर कॉक या फिर बेसिन मिक्सर लगाना हो, आप उनका इंस्टॉलेशन फ्लोर पे कर सकते हैं, उसके बाद आप वॉश बेसिन को रख सकते हैं। तो अभी आपके सामने बेसिन मिक्सर और वेस्ट कपलिंग का इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद हम इन्हें इनके प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे बेसिन मिक्सर का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं दो यहाँ पे पाइप दिख रहा है, होस पाइप, मिक्सर लगाया, रबर वॉशर लगाया, उनके बाद नट से इनको टाइट किया जा रहा है। दोस्तों ये वेस्ट कपलिंग है, इनका इंस्टॉलेशन अभी आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो वॉश बेसिन का ये वेस्ट कपलिंग लगा हुआ है, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये है वॉशर, और इनका ये ग्लंड नट। तो दोस्तों ये वॉशर क्यों दिया जाता है, अगर वॉशर ना रहे तो ये आपका स्टेबल नहीं रहेगा वॉश बेसिन, और एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का संभावना बढ़ जाता है। तो वॉशर से दोस्तों आपका लीकेज भी रोकता है, और वॉश बेसिन जब प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं जहाँ पे फिक्स करेंगे, उनके साथ वॉशर जो है इनका लोड को बियर करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों एंगल वाल्व का फिटिंग कैसे करना है कनेक्शन देने के लिए। एंगल वाल्व में आपको टेफलन टेप की अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनमें चूड़ी थ्रेड बना होता है। ये हाफ इंची का एंगल वाल्व है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम कनेक्शन पाइप देंगे तो ये पोर्शन आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो वॉश बेसिन है उन्हें इनके प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वॉश बेसिन का जो लेवल उन्हें चेक करना, तो इन्हें हम स्पिरिट लेवल के द्वारा चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि जो बबल है स्पिरिट का, वो दोनों ब्लैक रेखा के बीच में अगर हैं, इसका मतलब आपका वॉश बेसिन सही पोजीशन में है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वह है वेस्ट कपलिंग के साथ, या फिर आप पीवीसी कनेक्शन, पीवीसी जो ड्रेन वेस्ट पाइप होते हैं 2 इंची का, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल बोतल ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। तो अब अगला जो स्टेप है वो बोतल ट्रैप का इंस्टॉलेशन।
दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बोतल ट्रैप इंस्टॉल करा है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताने वाला था बोतल ट्रैप लगाने का क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। तो बोतल ट्रैप लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मान लीजिए कोई वेस्ट जैसे कि जो हम यूज़ कर रहे हैं जो डर्ट है वो डायरेक्ट आपके ड्रेन लाइन पर जाकर ब्लॉक नहीं करेंगे, सारे एक्यूमुलेट होते हैं यहाँ पर, इन्हें आप बाद में इन्हें यहाँ से खोलकर क्लीन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बोतल ट्रैप आने के लिए। जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है कनेक्शन, जिनका कनेक्शन पाइप है उनका, उन्हें कनेक्ट करना बेसिन के सप्लाई के साथ। दोस्तों यहाँ पे दो कनेक्शन पाइप है, एक हॉट वाटर सप्लाई के लिए, दूसरा है कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए। दोनों हमें कनेक्ट करना है एंगल वाल्व के साथ। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने वॉश बेसिन का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो ये जो वॉश बेसिन है दोस्तों इन्हें हम इंटीग्रेटेड या अंडर टेबल वॉश बेसिन कह सकते हैं। अब दोस्तों ये जो है वॉश बेसिन है, ये इनमें जो ये फिटिंग लगा है इन्हें हम बेसिन मिक्सर कहते हैं। इनका इस्तेमाल हॉट एंड कोल्ड वाटर्स को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको गर्म पानी चाहिए इन्हें बाएं तरफ टर्न करेंगे, अगर आपको ठंडा पानी चाहिए राइट तरफ टर्न करेंगे, अगर आपको दोनों बराबर चाहिए मिक्स में चाहिए तो सेंटर पे रखेंगे। तो इसलिए इनका नाम है बेसिन मिक्सर। इसके अलावा पिलर कॉक नॉर्मल वाले भी लगाते हैं या नॉर्मल टैप भी हम लगाते हैं। अब इनके सप्लाई के लिए तो ये है बेसिन मिक्सर, यूज़ होने के बाद जो ड्रेन वाटर है उन्हें जाने के लिए यहाँ पर बोतल ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। ट्रैप का वर्क क्या होता है दोस्तों, जो बैड स्मेल है उन्हें रोकना, यानी कि जो वेस्ट वाटर जा रहा है वो यहाँ से जाएंगे और आपके ड्रेन लाइन में चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दो कनेक्शन है एंगल वाल्व के, हॉट वाटर के लिए जो कि गीजर से आता है, कोल्ड वाटर के लिए जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन से है या फिर टैंकी से है ताज़ा पानी जिसे ठंडा पानी कहते हैं। ये दोनों कनेक्टेड है आपके मिक्सर से। तो दोस्तों इस प्रकार से वॉश बेसिन का इंस्टॉलेशन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इन्हें चेक करने के भी हमने तरीका आपको बताया स्पीड लेवल के द्वारा। अब जैसे कि इंस्टॉल होने के बाद एक प्लम्बर को वर्क प्लेस को क्लीन करना होता है, वे आपको दिखाएंगे। इनके जो औजार है उनको सही जगह पर रखना है, और उससे पहले जैसे आपका इंस्टॉलेशन हो जाए अपने सुपरवाइज़र से अपने सीनियर से इन्हें चेक करवाइए, टास्क को हैंडओवर कीजिए। उसके बाद जो औजार हमने साफ़ करके उनके सही जगह पर रखी है, इस प्रकार से आप वॉश बेसिन को सही तरीका से इंस्टॉल करने की पूरी विधि को आप जान सकते हैं।